नमस्कार दोस्तों, हम राजू चौरसिया। दोस्तों तो हमारे चैनल में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे आज के वीडियो दोस्तों लंबा दीवार प्लास्टर कैसे होता है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। बहुत लंबा है और आप लोग कितना लंबा प्लास्टर कर सकते हैं बिल्कुल पतला मसाला से, एक बराबर मसाला से। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कैसे आप लोग के बूंदा भी नहीं लगाया हूँ, सूता भी नहीं लगाया हूँ और इतना लंबा दीवार दोस्तों मैंने कैसे किया हूँ, ये सब तरीका दोस्तों हर एक मिस्त्री के पता नहीं रहता है। समझिए दोस्तों, दो ठेया लेकर अगर आप लोग प्लास्टर कर रहे हैं तो लंबा दीवार नहीं हो पाएगा। कैसे एक साइड पतला मसाला जाएगा और एक साइड दोस्तों मोटा मसाला चला जाएगा, इसलिए बहुत दिक्कत होता है करने में। शायद अगर मिस्त्री भाई देख रहे होंगे उनको पता होगा, बहुत दिक्कत होता होगा। अगर लंबा आप लोग 25 फुट 30 फुट के दो ठेया लेके कौन मिस्त्री कर सकता है। तो इसमें दोस्तों ऐसा तरीका बताया हूँ से पूरा सूता में होगा दोस्तों 25 फुट के दीवार, और मैं ठेया कैसे बनाऊँगा से बिल्कुल एक बराबर पूरा ठेया बनेगा। तो इसमें बहुत नॉर्मल तरीका आप लोग के लिए बताया हूँ। शायद आप लोग नहीं देखिएगा तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है बेकार हो जाएगा। कैसे तरीका बताता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो के हल्के में आप लोग मत देना। आप लोग के लिए दोस्तों मैं सोचता हूँ जो नॉलेज मैं बताता हूँ, अगर आप लोग सीरियस लेकर दोस्तों अगर कहीं भी प्लास्टर कर रहे हैं अपना नाम चलाइएगा, रोजी रोटी चलेगा आप लोग का। तो कहिएगा तो मेरे जैसा बनिए। कैसे मैं काम दोस्तों चाहका रहा हूँ और अभी कमरा फाइनल करके आ रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद ही दोस्तों मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और वीडियो के आप लोग लाइक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कैसे इतना लंबा दीवार को तरीका बताया हूँ और आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हमको दोस्तों दिल टूट जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजू भाई से आप लोग प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और बेल आइकन पर जरूर दबा लेना। कैसे हमारा नए नए वीडियो आप लोग मिलते रहेगा और आप लोग देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो के लाइक शेयर और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए यही दीवार कितनी हम पानी लगाया, कम से कम 5-10 मिनट से दोस्तों पानी लगा रहा हूँ। ऐसे 9 इंच की दीवार है, सूखेगा फिर प्लास्टर दोस्तों भैयार नहीं होगा, बाद में चल के झरने लगता है। और मसाला भी क्या देखिए सूख जाएगा तो समझिए फिनिशिंग भी नहीं होगा, इसलिए पानी जितना ज़्यादा लगाइए और मसाला ज़्यादा गीला नहीं, बिल्कुल भरवा मसाला से कमाइए। आपको आसानी रहेगा प्लास्टर करने में। जैसे देखिए दीवार हो गया, अब इधर करने वाले हैं, इधर आप लोग के दिखता नहीं होगा। जैसे लकड़ गाड़ के लगा रहे हैं और ये दीवार जैसे मार देते हैं। और देखिए हमारा हेल्पर भैया इधर मसाले इसको बना रहे हैं। दोस्तों आज हम और हमारा लक्ष्मण भाई, छोटा वाला भाई, देखिए यही लंबा दीवार हमने प्लास्टर कर रहे हैं। इसमें समझिए 3 फंडी से ऊपर है दोस्तों, ये काम समझिए 18 फीट से ऊपर है। और हम लोग कैसे करेंगे इसको, सूखा में और बूंदा में इसमें नहीं लगा हुआ है। और दीवार देखने में दोस्तों सिर्फ 9 इंच की दीवार जुड़ा हुआ है। देखते हैं दोस्तों कहीं ईटा निकला हुआ है, ऐसे वैसे है, कैसे फ्रेश है उधर से। और इसको तो साहुल में और सूता में हमने बना रहे हैं। काफ़ी लंबा दीवार है तो नॉलेज तो मिलेगा दोस्तों, तो इतना लंबा दीवार है। तो ये लक्ष्मण भाई घोड़ा लगा रहे हैं। और भाई घोड़ा लगा रहे हैं तो पाइप पर थोड़ा सूखा सीमेंट लगा लेना, अच्छा करेक नहीं आएगा। और दोस्तों बहुत सारा जगह प्लास्टर में करेक आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो वो कैसे आ जाता है, जैसे गोला लोग लगा देते हैं और इसमें दोस्तों अच्छा से गोला अंदर जाता नहीं है और इसी पे मसाला प्लास्टर के मार देगा। तो इसमें से दोस्तों बाद में चल के छोड़ देता है। अच्छा से अंदर तक मोटा गोला लगना चाहिए और उसके ऊपर से सीमेंट भी लगा देना चाहिए और पाइप वाइप पर भी। हुआ है। पहले तो हम लोग प्लास्टर कर रहे थे पंजाब में, गए यहाँ पे मुर्गा जाली पूरे दीवार पे लगा रहे थे, पाइप कोई फंसे दोस्तों करेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ पे अभी नहीं लग रहा है तो उसके हम मजबूती के लिए कैसे बनाएंगे इस सूखा सीमेंट। भैया थोड़ा तैयार में सूखा सीमेंट देना, मैं पाइप कोई पर लगा देता हूँ। देखिए लक्ष्मण भाई उधर गोला मार रहा है, जैसे मैं उधर जाली नहीं है उसके व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए और पानी तो दोस्तों दबा कर हम लगाए हैं, आप लोग देखे भी है पानी के। चलिए सूखा सीमेंट बस हो जाएगा उसके नीचे मेरा सूखा सीमेंट। इस तरीका से इसको इस तरीका से पाइप को दोस्तों अच्छा तरीका से ऐसे सीमेंट लगा देना, फिर मसाला अच्छा तरीका से पकड़ करेगा। दोस्तों पाइप है ना, समझिए प्लास्टिक का पाइप है, और उसको हल्का हिलता डोलता है तो समझिए प्लास्टर का देखा जाता है। बोलो बाल्टी दे दो। और जैसे इसी में झांक के दे दे। चलिए अब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, सीमेंट लगा लिए। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे विष्णु भगवान के गोल लगा लेता हूँ प्रत्येक दिन में। तो देखिए पहले हम पूरे नीचे से पाइपे पे दोस्तों मैं पहले छाप रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे देखिए बिल्कुल एक बराबर हमने पूरे दीवार के देखिए छाप कर बता रहे हैं। चलिए देखिए इधर मसाला फेंकिए, देखिए दीवार को खूब छोपना ऐसे। एक बार अगर खूब अच्छा से छोप दीजिएगा तो समझिए जल्दी हो जाएगा आपका काम। एक बार इसमें फटकिए मारना है, ठीक है दोस्तों। इतना मोटा मैं छाप रहा हूँ, 12 से 12 दोस्तों फटकी नहीं भरना है। और आप लोग के एक ही बार में आज आप लोग सिखाई देते, तो ये जो भी वीडियो आदमी देख रहे हैं ना इसमें आप लोग सीखना है। दोस्तों मैं आप लोग के क्या नहीं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ दोस्तों मेरा नॉलेज आप लोग के हर एक बात दोस्तों मैं बताता हूँ, फिर भी आप लोग बहुत सारा आदमी कमेंट करते हैं तो भैया हम अभी नहीं सीख पाए हैं। खुशी कब लगता है इससे आप लोग बोलते हैं हाँ भैया आपका वीडियो देखकर हम सीख गया प्लास्टर, अपना घर के प्लास्टर कर लिया, बहुत खुशी लगता है। तो मुझे वीडियो बनाया था आपका दोस्तों, अपना घर तो दोस्तों प्लास्टर तो कर लिया, सीख तो गए। और छोटी सा आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट मैं करता हूँ तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, और लाइक तो होना चाहिए। इतना मेहनत करके बता रहा हूँ आप लोग नॉलेज बनाओ। एक साइड से इस तरीका से मसाला उठाना है, और नए आदमी के सीखने से पहले मैं बोलेंगे खूब मेहनत करना है। जो भी मिस्त्री के पास अगर काम करिए खूब मेहनत करना है आप लोग, मिस्त्री को इतना मेहनत करके दिखाना है तो मिस्त्री बोलेगा कि हाँ ये बंदा है कमाने वाला, फिर आप लोग के दोस्तों फंटी मारने देगा। और आप लोग दीवार छाप लेते हैं तो समझिए गुस्सा देगा मारने का। चलो भैया सीमेंट मसाला बिकते रहा, मसाला चलिए चलिए बीम छाप लो, ठीक है। बीम छाप लो ना तो सूख जाएगा, बीम ना दिक्कत हो जाएगा। और बीम में है ना ये पाइप पे ऐसे मसाला मार के थोड़ा ऐसे पोंछ देना, थोड़ा अंदर तक जाएगा तो दोस्तों करेक्ट नहीं आएगा ना। तो बहुत सारा आदमी बस देते हैं, तो देखिए एक गाढ़ा है समझिए, ऐसे मैं मसाला मार दिया हल्का अंदर गया उसमें फूल का मसाला रह जाएगा, वही दोस्तों बाद में दोस्तों है ना थोड़ा करेक्ट जैसा दिख जाता है, चीता जैसा आप लोग देखे होंगे कहीं। और यहाँ पे ऐसे डबरा पाइएगा तो प्लास्टर दोस्तों डबरा पाएगा, जैसे टाइल भी लगता है तो दोस्तों देखिए मसाला अच्छा से जब नहीं बैठेगा टाइल के नीचे तो दबाता है। इसलिए प्लास्टर का हक है, ऐसे आप लोग मसाला मार रहे हैं तो उसके बाद ऐसे छिपियाना ना तो खूब इसको दोस्तों ऐसे अंदर तक मसाला उसका जैसे देखिए आगे चल के हम छिपियाएंगे। और ये मैं छाप रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना फटाफट, हम उठा लेते हैं। तो कम से कम दोस्तों हमको 10 मिनट लगेगा, पूरा 10 मिनट का जो लंबा दीवार है जो आदमी के दोस्तों छाटने में, देखिए कितना लंबा है, 10 मिनट तो लग जाएगा दोस्तों। 10 मिनट में खूब हम मेहनत करके छाप लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कैसे छापना तो आप लोग सीख गए होंगे कि नहीं सीखे हैं। देखिए ऐसे मसाला इस तरीके से नहीं आप लोग मार सकते हैं, देखिए कितने आसानी से है दोस्तों। मेहनत क्या है, हमारा दीवार तौर है, ऐसे मसाला भरपूर मसाला लेकर और इस तरीके से ऐसे मार देते हैं, देखिए कितने आसान है। तो चलिए छाप लेते हैं। बस देख सकते हैं हम लोग दोनों भाई मिलकर छाप दिए, बस थोड़ा सा बाकी है। अगर हमारा लक्ष्मण भाई छाप रहे हैं, सुबह में बताऊँ आप सभी को लगी ऐसे ले जाना है, और जो हमारा ऊंचा खाला जो है इसको एक बराबर आप लोगों को करनी से समझिए, जैसा आप तरीका कीजिए, जरूरी नहीं है मैं जैसा कर रहा हूँ वो सही आप कर पाएंगे, थोड़ा नया आदमी के दिक्कत होगा। इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पे हमारा गाढ़ा है और यहाँ पे ऊंचा है, इसको ऐसे काट के दोस्तों इसको एक बराबर हमने करेंगे इस तरीके से, और ऊपर साफ देखिए यहाँ पे भी ऐसे करनी भी चलाना थोड़ा है ना, सीखना पड़ता है। ऐसे हाथ रखें, ऐसे आ रहा है मसाला, और यहाँ पे हम गाढ़ा है, देखिए इसको ऐसे हम कर देंगे, यहाँ पे गाढ़ा है, यहाँ पे ऊंचा है, बराबर कर देंगे। और फंटी इसमें दूसरा तरीका बताएंगे, कैसे बूंदा नहीं लगा है ना तो कैसे सूखा में बनाएंगे। अगर दो ठेया अगर बना कर चलते हैं, एक साइड ज़्यादा मोटा चल जाएगा, पतला चल जाएगा या ईंटा निकल जाएगा, तो उसे नहीं मारना है। देखिए मैं कैसे मार रहा हूँ, आगे देखते चलिए। दोस्तों लंबा दीवार है, कैसे आप लोग फंटी मारेंगे, जैसे देखिए बीच में से दोस्तों हमने यहाँ पे, तो समझिए आप लोग सोचते होंगे तो पूरा ऐसा ही राजू भाई मारेंगे, नहीं, पहले देखिए इसको है ना बिल्कुल एक बराबर पूरे दोस्तों ये सूखा में समझिए बनाना है। अगर ऐसे आप लोग सूखा में बन जाता है समझिए पूरा दीवार हमारा सूखा में हो जाएगा। अगर ये नहीं बन पाएगा इस तरीका से ऐसे लगेगा, थोड़ा सा और छाप लो, सूखा है भैया, इस तरीके से आप लोग, और बिल्कुल दोनों साइड बराबर मसाला जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं आधा मिट्टी है, और यहाँ पे कितना है, ठीक है, यहाँ पे भी है, थोड़ा इधर लगेगा तो ऐसे आप देंगे, और इसी से एक साइड जैसे आप मुँह डाल पर उसको जाने देना है, वैसे फंडी को वहाँ पर करनी को भोंकना, भाई भोंकना करनी को, ठीक है, ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो उसको एक साइड से ऐसे इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से जब हो जाएगा देखिए हमारा एकदम पतला मसाला से भी हो गया। जब दोस्तों आप लोग ये सूखा में हो गया तो समझिए आप फंडी पहुँचे भर एक यहाँ पे हम ठेया बना लेंगे, तो आप देखिए इस तरीके से, और वो भी चावल दीजिए, चावल चावल दीजिए लक्ष्मी भैया, चावल चावल वहीं पे है, चलिए चावल दीजिए, और यहाँ से ऐसे भी आप लोग यहाँ पे चावल भी बना लेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो जीरो, ठीक है ना, एकदम बन गया है। और ये भी कीजिए जितना वो भी चावल में होना चाहिए दोस्तों, ये भी आप लोग बना लेना, ठीक है, दोनों ठीक है। जब इस तरीके से दोस्तों दो ठेला हो जाएगा बस इससे पकड़ के आसानी से आप लोग मार सकते हैं, जैसे देखिए ऐसे यहाँ मिलाकर और यहाँ पे भी देखिए, और खेला नहीं करना चाहिए, आप लोग काट देना। और पतले मसाला भी हो जा रहा है, जब ऐसे हो जाएगा दोस्तों ठेरा है यहाँ पे, ये ठंडी में रहेगा, इसको ऐसे मिला लेना और इस तरीके से रखे, ये हमारा बिल्कुल सीधा कर देना, ये सीधा होना चाहिए कभी भी। चलो ये दूसरा कर दो, ये हमारा हो गया, जैसे मर्जी जहाँ ठंडी लगाइएगा इतना हमारा हो गया। अभी अभी आगे कैसे मारिएगा, फिर अब यहाँ से हमने कट्टिया बनाएंगे, ठीक है। ये भी काबुल में हम करेंगे। जैसे हल्का बोल रहा है दोस्तों, हल्का छाप देने का, इस तरीके से ये छाप देंगे। मसाला बेटा छापू गजल तुरंत आ जाए एकदम मरिया लिए। हाँ, मसाला के कमी नहीं है। आ जाएगा घंटा में, यहाँ पे लगाएं, फिर आप लोग एक यहाँ पे बना लेना, ठीक है, इस कोने में। तो इस तरीके से जैसे ऊपर वाला नहीं कर देना है, और वहाँ से ऐसे नीचे काट कर आप लोग चावल कर देना है, जैसे ये चावल कर देंगे। ये जब दोनों ठीक आ जाएगा, आप लोग इस ट्रे में चलिए, कितना आसान है, आप लोग बोलते हैं ठंडी नहीं चलता है। और इस ट्रे में ऐसे मिलाकर और इधर से क्या करना है, यहाँ से ये भी आपको ऐसे सीधा कर देना है। अब इतना सारा तो दोस्तों, अब इसमें और इसमें ऐसे मिलाकर फिर हम इसको काटिए और यहाँ से हम काटेंगे। हो गया, हो गया। अगर गाढ़ा गुजा है कहीं हल्का फल्का, इसको हम खींच के बस एक बराबर मार देते हैं, थोड़ा समझाएं। जैसे यहाँ पे गाढ़ा है, इस तरीके से झील देना आपको, और बस इसके ऊपर से दोस्तों समझिए और आसान हो जाएगा। बोल दूसरा भी उधर देखिए भाई कर रहे हैं, बोल दिया ना। मसाला और वाले चालू कर समझे रे, तो देखिए भाई कहीं गाना गुड़ा था, हमने छिड़ चुका हूँ। और लक्ष्मण भाई उधर देखिए 4G के स्पीड में, 4G नहीं 5G के स्पीड में तो मार रहे हैं, अभी 5G सिम है ना। चलिए अब फिर हमारा फंडी कहाँ है, ये है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फंडी बैठ जाएगा। इस तरीके से। अगर आप लोग नहीं बैठेगा तो पूरा काटने का सिखा रहा हूँ। एक जगह में दोस्तों ऐसे हाफ टर्न करके ऐसे आप लोग काटिएगा, ठीक है। जब बैठ जाएगा आप लोग तो इस तरीके से आने देना है, नहीं कटेगा दोस्तों। जब आपका पंजी जैसे बैठा है ना, बिल्कुल आप लोग चलाइएगा तो नहीं कटेगा। तो ये हमारा हो गया। और इधर ऐसे मिल जाने से इसमें मेरे भुनिया में होगा, देखिए बस ये भी मिल गया। और ये मिलने से है ना, ये मिलने से ये भुनिया में होगा। जैसे कल कमेंट पड़ा हूँ छत नहीं क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे फल सेटिंग लग रहा है ना, इसलिए छत नहीं कर रहे हैं। ये मिल गया पूरा ऊपर तक। और हमारा ये कॉच में मिल गया, देखिए तो समझिए बुनिया में भी दोस्तों काम हो गया। और इस कट जाते हैं यहाँ पे ऐसे भी आप लोग क्या काम करते हैं। हो गया बस, बढ़िया जूता दीजिए। बताइए हमारा ऐसा हो गया। अब देखिए ये हमारा फंडी में बता फर्क होता रहिएगा, से कहानी भी दिएगा आप लोग ऐसे बैठ जाएगा। देखिए बस अब रूसा हम चक देखे हो गया है। रूसा भी कैसे मारते हैं, ये रहा मेरा रूसा, ठीक है। और भी दोस्तों तो अकेले हमारा लक्ष्मण भाई गुस्सा मार देगा। और मैं थोड़ा सीन बता देता हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा भैया सफाई नहीं किए हैं। भैया थोड़ा दूसरा सफाई कर लो, दूसरा सफाई प्लास्टर पर लगा के दो ना, पानी में इसको भिजा कर वो सही रख दिया जिसको। देखिए अमोल रहा है क्या, देखिए ना हमारा किटार जी भी आ गए दोस्तों। बराबर का भी ऊपर में मिस्त्री लगे हैं, नीचे में भी लगे हैं, और इसके भी नीचे लगे हैं। बहुत काम चल रहा है, ये सब 15 सही से बना देना। हाँ पूरे कंप्लीट हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सब साहुल में और पानी में काम करना पड़ रहा है। फिर जिसका वो घूम फिर के देखता रहता है, काम निमन पे जाए। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग के आना होगा तो हमारे ठिकान में आप लोग आ सकते हैं दोस्तों, रोज ही मिलेगा यहाँ पे, आइएगा। था देखिए इस तरीका से अब हम दूसरा इसको हम दीवार हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बस हम एक भी मुँह बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे घोला वोला पड़ रहा है। कैसे बहुत ज़्यादा काम करना है, वो भी दीवार दिख रहा है ना, वो भी करना है आगे प्लास्टर। तो चलिए वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और नॉलेज मिला होगा, तो कमेंट करके आप लोग जरूर वीडियो में हमारा आप लोग कुछ बताना कैसा लगा हमारा वीडियो। और लाइक भूलना मत और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह आप लोग के नॉलेजदार मिलते रहेगा। अभी बाहर से भी प्लास्टर शुरू होने वाला है, सब दिखाते रहेंगे। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद।